अब साईं बाबा के दर्शन करने आने वाले हर भक्त को मुफ्त लड्डू का प्रसाद दिया जा रहा है। शिरडी में साईं के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए एक खुशखबरी है। शिरडी में साईं भक्तों को प्रसाद के तौर पर लड्डू दिया जाता है। ये लड्डू देसी घी से बनाया जाता है। साईं का ये प्रसाद बाबा के दर्शन के लिए कतारों में खड़े भक्तों को दिया जाएगा। शिरडी आने वाले साईं भक्तों को मुफ्त में लड्डू का प्रसाद मिलने लगा है। साईं दर्शन के बाद भक्तों को लड्डू प्रसाद का एक पैकेट दिया जा रहा है। 100 ग्राम के इस पैकेट में 2 लड्डू है। शिरडी आने वाले भक्तों में इस लड्डू प्रसाद की बहुत मान्यता है। इसे लेने के लिए पहले भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। कई बार भीड़ होने पर बिना प्रसाद दिए भक्त लौट जाया करते थे, लेकिन अब साईं दर्शन के बाद हर भक्त को प्रसाद का एक पैकेट दिया जा रहा है। साईं ट्रस्ट ने इस योजना को शुरू करने के लिए बकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट की मंजूरी ली। साईं ट्रस्ट देश के सबसे अमीर मंदिर। साईं के दरबार में देश विदेश से करीब 50,000 लोग रोजाना बाबा के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में साईं ट्रस्ट को रोजाना करीब 50,000 लड्डू प्रसाद का पैकेट तैयार करने होंगे, जिस पर करीब 15 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। यानी लड्डू प्रसाद जो फ्री किया है तो उसमें कम से कम हमको 15 करोड़ रुपए का हमें चैरिटी करना पड़ेगी। साल 1993 से साईं के दरबार में भक्तों को प्रसाद के रूप में लड्डू देने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। तब से लड्डू प्रसाद की परंपरा चलती आ रही है। वैसे भक्त जो प्रसाद घर लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी साईं ट्रस्ट ने व्यवस्था की है। उन भक्तों के लिए 150 ग्राम का एक पैकेट तैयार किया गया है। इस पैकेट में 3 लड्डू होंगे और इसकी कीमत 20 रुपए रखी गई है। अब साईं के दर पर हर भक्त को प्रसाद मिलेगा बिल्कुल मुफ्त।